कोशिश करेंगे कोड ऑफ एथिक्स जो कि इस्लामिक परस्पेक्टिव में हो सकते हैं वो क्या है और एक मुस्लिम मुल्क में रहते हुए एक इस्लामिक कंट्री के अंदर रहते हुए हमारे जर्नलिस्ट को किस किस्म के इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए क्योंकि इस्लाम हमारी जिंदगी का महवर है तो इसलिए हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स का भी महवर होना चाहिए तो हम जरा आज के लेक्चर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे कुरान और सुन्ना के हवाले से उनमें जो इंश्राइंड कोड ऑफ एथिक्स फॉर ए जर्नलिस्ट हो सकते हैं वो क्या हैं आज हमारी टॉपिक का डिस्कशन ये होगा सबसे पहले इस फैक्ट को रियलाइज करने की जरूरत है कि जर्नलिज्म में ऐस सच कोई इस्लामिक कोड ऑफ मौजूद नहीं है ना ही इस वक्त कोड ऑफ एथिक्स का कोई मौजूद है मोस्टली अगर इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से अगर कुछ मौजूद है तो वो शायद कुछ स्कॉलरली डिस्कशन हैं वो किसी ऐसे कोडिफाइड फॉर्म के अंदर किसी ब्लैक एंड वाइट फॉर्म के अंदर आज तक किसी भी किस्म का कोई कोड ऑफ एथिक्स फॉर द मुस्लिम जर्नलिस्ट आज तक डिवाइस नहीं किए गए हाँ इस पे बेतिहाशा बातें मुख्तलिफ फोरम के अंदर होती नहीं। मुख्तलिफ फोरम स्पेशली इसी मकसद के लिए बनाए भी गए लेकिन आज तक कोई एफर्ट इस किस्म की फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी जहाँ पे कोई इस्लामिक कोड ऑफ़ एथिक्स डिवेलप हो सकें या कोई ऐसे कोड ऑफ़ एथिक्स जो कि इस्लामिक परस्पेक्टिव में हों वो डिवेलप हो सकें हम सारे इस बात को जानते हैं कि इस वक्त जो है मुसलमानों की तादाद कोई ओवर फिफ्टी कंट्रीज मुसलमान हैं जहाँ पर इस्लाम एज ए रिलीजन लिया जाता है जहाँ पर मुसलमान इन मेजॉरिटी बसते हैं लेकिन अगर हम ये देखें कि उनमें से कितने कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ एथिक्स इन द इस्लामिकस्पेक्टिव एक्सरसाइज हो रही हूँ या एटलीस्ट किसी शेप में एग्जिस्ट करते हुए हों डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो मुसलमान ममालिक में जहां जो 50 से ज्यादा कंट्रीज अवेलेबल हैं वहाँ पे हजारों की तादाद में न्यूज़पेपर्स निकल रहे हैं और यकीनन सैकड़ों की तादाद और हजारों की तादाद में मीडिया चैनल्स ऑपरेट हो रहे हैं मैगज़ीन्स भी इस किस्म के हजारों की तादाद में अवेलेबल हैं इवन कुछ मैगज़ीन्स इस किस्म के हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक वैल्यूज इस्लामिक सिस्टम और इस्लामिक स्टडीज पर बेस करते हुए बट स्टिल क्वेश्चन इज वेदर ऑल दीज मीडिया आर फॉलोइंग एनी कोड्स ऑफ एथिक्स इन दर्स्पेक्टिव ऑफ इस्लाम प्रॉब्लम शायद हमें इस सवाल का जवाब नो में मिले इसलिए कि जो हमारे बेषतर कोड ऑफ एथिक्स डिवाइस किए गए हैं वो वेस्टर्न बेसिकली कंस्ट्रक्टेड हैं वहाँ से ही हमने बारों की हैं और यूनिवर्सल बेसिकली वो कोड ऑफ एथिक्स हैं क्योंकि हम मुसलमान होने की हैसियत से हमारे डिफरेंट सेट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं हर इंडिविजुअल पे चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो टीचर हो जो भी प्रोफेशन हो हर एक प्रोफेशन में जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं हमारा रिलीजन उनके लिए कंप्लीट कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड करता है लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि किसी मुस्लिम कंट्री में इस किस्म के कोई कोड ऑफ एथिक्स इस वक्त प्रिवेलेंट नहीं है इस वक्त इन प्रैक्टिस नहीं है एंड सो मच सो इस वक्त तक कोई ऐसी एफर्ट नहीं है हमारे पास जो कि रिजल्ट करती हो किसी भी किस्म के कोडिफाइड फॉर्म ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर द मुस्लिम्स एंड फॉर द मुस्लिम जर्नलिस्ट अगर हम यहाँ पर यह देखने की कोशिश करें कि कोड ऑफ़ एथिक्स क्या हो सकते हैं हमारा आज का लेक्चर बेसिकली इन चीज़ों पर बेस्ड है कि एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जहाँ पे जर्नलिस्ट में मुसलमान हैं जहाँ पे सब्जेक्ट्स में मुसलमान हैं उनके लिए किस किस्म का कोड ऑफ़ एथिक्स होना चाहिए तो मेरे ख्याल में बिफोर दैट के हम इस किस्म के कोड ऑफ एथिक्स की बात करें हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि न्यूज क्या है इस्लामिक परस्पेक्टिव में इनफैक्ट जब हम न्यूज की बात करते हैं कि इस्लामिक परस्पेक्टिव में एक मुस्लिम्स के परस्पेक्टिव में न्यूज़ की डेफिनेशन क्या हो सकती है तो यकीन हम वो वेस्टर्न जो कंस्ट्रक्टेड डेफिनेशन ऑफ न्यूज़ है ऑफ कोर्स दैट कैन नॉट बी अ न्यूज़ फॉर अ मुस्लिम जिसमें अगर वो ये कहते हैं कि जिस किस्म की चीज़ जिसमें थोड़ा सा कोई अनोखापन पाया जा रहा हो जिसमें ह्यूमन टच पाया जा रहा हो जिसके अंदर कोई टाइमलीनेस पाया जा रहा हो जो कि क्लैमिटी की न्यूज़ हो या इस किस्म के डिज़ास्टर की कोई न्यूज़ हो दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ द मीडिया अगर हम इसको इस्लामिक परस्पेक्ट में कोई डेफिनेशन ऑफ न्यूज़ देखने की कोशिश करें तो मुझे यकीन है कि इस पर जो कंक्लूजन हम ड्रा करेंगे वो इससे थोड़ा सा मुख्तलफ़ होगा जो कि इनफैक्ट वेस्टर्न थाट्स हैं क्योंकि इस्लामिक कोड ऑफ़ एथिक्स में ह्यूमन वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एसेंट बड़ी इम्पॉटेंट है हकूकबाद की बड़ी अहमियत है मीडिया के लिए सोसाइटी के लिए काम करना बड़ा इम्पॉटेंट है मीडिया के लिए सोसाइटी को फैसिलिटेट करना बड़ा इम्पॉटेंट है मीडिया का कंपैशनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ये तमाम वैल्यूज जो इस्लाम किसी एक इंडिविजुअल के लिए किसी सोसाइटी में सर्वाइवल के लिए देता है यकीनन वही चीज अगर हम उसको थोड़ा सा मैक्रो लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे तो इस्लाम और हमारे जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं वो यही चीज इंस्टीट्यूशन से और वो लोग जो सोसाइटी के अंदर मैटर करते हैं उनसे भी हमारा मजहब यही डिमांड करता हुआ होगा तो तमाम ममालिक के अंदर मुसलमान चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है ईरान है इजिप्ट है सऊदी अरेबिया है हंड्रेड ऑफ मीडिया चैनल एंड थाउजेंड ऑफ न्यूज़ पेपर आर ऑपरेटिंग लेकिन वो इस डेफिनेशन ऑफ न्यूज़ पर शायद हो सकता है कि काम ना कर पा रहे हों वो सिर्फ और सिर्फ जो वेस्टर्न कंस्ट्रक्टेड डेफिनेशन ऑफ न्यूज़ है सिर्फ उसी पर ही बेस करके अपने कॉन्टेंट्स डिवेलप कर रहे हैं इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स के साथ साथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम अपने परस्पेक्टिव के अंदर अपने इंडिजनस परस्पेक्टिव के अंदर अपने रिलीजियस परस्पेक्टिव के अंदर चीज़ों को देखने की कोशिश करें मैं एक और अहम बात की तरफ भी यहाँ पर आपको इशारा करना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ वो मीडिया नहीं जो सोसाइटी के पॉलिटिक्स को सोशल इश्यूज को डिस्कस करें इवन वो मीडिया भी जो कि इस्लामिक या रिलीजन बेस्ड मीडिया है वहाँ पे भी जो एथिक्स हैं और जो न्यूज़ की डेफिनेशन है जो न्यूज़ की कवरेज और न्यूज़ गैदरिंग के हवाले से जो जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न्स हैं वहाँ पर भी इस्लामिक वैल्यूज़ शायद हमें नज़र ना आ रही हो ये मेरे ख्याल के मुताबिक एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है इस से एफर्ट्स जो हुई हैं मैं थोड़ा सा आप को उस पे भी करना के थोड़ी सी रोशनी डाली जाए जो फर्स्ट एशियन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो कि बेसिकली मक्का बेस्ड एक वर्ल्ड मुस्लिम लीग कहलाती है उसने कराची में पहली एक कॉन्फ्रेंस नाइनटीन सेवेंटी एट में की जिसमें मुख्तलिफ मुसलिम ममालिक से इकट्ठे लोग बैठे और इस हवाले से डिस्कस किया कि वेस्टर्न मनोपली जो है जो मैस मीडिया की जो मनोपली है और उसके अंदर जो प्रोपिगेंडा अगेंस्ट द मुस्लिम हो रहा है उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं और कैसे एक बेस्ट कोड ऑफ एथिक्स फॉर द जर्नलिस्ट वर्किंग इन द मीडिया ऑफ इस्लामिक कंट्रीज उनके लिए डिवेलप कर सकते हैं तो, तो इस पे बड़ी लंबी डिबेट्स हुई बड़ी डिस्कशंस हुई लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं और इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी उन पे कोई बहुत ज्यादा फॉलो अप नहीं हो पाया फ्रॉम 1978 से लेकर आज तक वी कम अप विद एनी इन दिस रिगार्ड वेस्टर्न मीडिया की जो मोनोपली है दिस इज इंक्रीजिंग डे डे बाय हमारे तमाम मुस्लिम कंट्रीज यहां पर इस वक्त पूरे के पूरे वेस्टर्न मीडिया के कंट्रोल में हैं और इस वक्त मोर देन 80 परसेंट ऑफ जो न्यूज है उनके सोर्सेज वेस्टर्न मीडिया हैं और वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज हैं हमारे जो मुसलमानों के मुमालिक से जो हैं, जो मीडिया हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट वेस्ट के सर्व हो रहे हैं उसके अंदर मुसलमानों को जिस तरीके से पोट्रे किया जा रहा है उसने वेस्ट में एक इतिहास पैदा किया हुआ है उसने मुसलमानों के ममालिक के अंदर एक इतिहास पैदा किया हुआ है और नई नई टर्मिनोलॉजीज इस किस्म की वेस्टर्न मीडिया मोनोपली और प्रॉपिगंडा जो मुसलमानों के खिलाफ वो कर रहे हैं वो नई टर्मिनोलॉजीज भी सोसाइटी के अंदर जनरेट हो रही हैं आप जानते हैं कि इस्लामो फीबिया का कॉन्सेप्ट आ गया है इस्लामो फीलिया का कॉन्सेप्ट आ गया है इस्लामो सुप्रामेसी का कॉन्सेप्ट आ गया है बेसिकली ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो बात ये करते हैं कि मुजलिम्स और इस्लाम ये वो लोग हैं जो थ्रेट हैं पीस के लिए वेस्टर्न पीस के लिए वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए इसलिए वो मुसलमानों को इस तरह से पोट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रपगंडा को जो वेस्ट का आपको चारों तरफ नज़र आ रहा है आपको कहीं पर भी इस मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इसका कोई रिबट करने वाला इसको काउंटर करने वाला शायद आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा और उसकी प्राइमरीली जो रीज़न है वो ये है कि हमने अभी तक इस एरिया में काम ही शायद स्टार्ट नहीं किया हम थोड़ा सा مزید आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से इस्लामिक परस्पेक्टिव में क्या एफर्ट्स हुए एक में आपको 1978 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका मैं आपको मेंशन कर चुका हूं इसके अलावा एक इंटरनेशनल इस्लामिक न्यूज एजेंसी आईआईएनए ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ओआईसी ने 1979 में स्टेबलिश की थी जिसका हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरेबिया में है बेसिकली जो IINA है इसका फंक्शन क्या था कि मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू को वेस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाए जो वेस्ट प्रॉपिगंडा कर रहा है मुसलमानों के और मुसलमान ममालिक के खिलाफ उसको काउंटर किया जा सके और मुसलमान के और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो इश्यूज हैं उनको स्टडी किया जाए और उनको आ, मीडिया के लिए डिसमिनेट किया जाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे आई के वो बड़े पुअरली सर्व रहे हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को कभी भी किसी साइंटिफिक मैनर्स के थ्रू कंसालिडेट भी नहीं किया गया और जो रिच कल्चर और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इस्लाम है इसके लिए जो इसको सेफ गार्ड के तौर पर सामने आना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ओ की एफर्ट नाइनटीन में रही है दैट कुड नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन एरिना ऑफ मीडिया इन द सोसाइटीज ऑफ मुस्लिम कंट्रीज बल्कि आई की जो कवरेज रही है वो सिर्फ और सिर्फ सतही लेवल की रही है बहुत ही लो अमाउंट ऑफ वैल्यूज जो कि इस्लामिक परस्पेक्टिव में होने चाहिए न्यूज कंटेंट्स के अंदर उनकी न्यूज में मौजूद रहे हैं मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे सिस्टम को रिवाइव करने की जरूरत है इसको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है इसके अलावा जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मुस्लिम जर्नलिस्ट जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी 1981 में ये भी एक 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 बड़ी रिमार्केबल एक अचीवमेंट रही है क्योंकि इसमें एक कोवनेंस फिर डेवलप हुआ जिसमें मैस मीडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं उन पे ये चीज़ लागू की गई या उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो इस्लामिक रूल्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे अपने न्यूज़ गैदरिंग में अपने रिपोर्ट्स में और अपने मैस मीडिया की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ये कोशिश होगी कि वो जो भी मीडिया के हवाले से काम करेंगे उसको इस्लामिक रूल्स ऑफ कंडक्ट जो हैं उसके तहत ही करेंगे ताकि मुसलमान सोसाइटीज़ और मुसलमान इंडिविजुअल्स की prosperity, ke liye, muslim media and media in the muslim country that should be able to work for. but unfortunately, you do jakarta, major conference, or isme, covenants develop, gaya, for the generates, so that they should be able to work under the rules and conduct that has been enshrined in quran and sunnah. uske like unfortunately yibi, kui fruitful effort apai. यहां पर भी जो कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम्स इंडिविजुल्स और जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है कॉन्ट्स के अंदर लेकिन वो जो एथिकल प्रिंसिपल जो आज फॉलो हो रहे हैं जो कि मुस्लिम वर्ल्ड की तमाम आब्लिगेशन्स को रिप्रजेंट कर रहे हैं शायद ये उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे पर वहाँ पर स्कॉलरली और एक्डेमिक डिस्कशंस होती रही हैं तो जो जकारता में एक, एक लीग थी जो जर्नलिज जर्नलजम प्र टिश्नर्स के लोग बैठे हुए थे मास मीडिया के लोग बैठे हुए थे दे आर कुड नॉट कम अप विद एनी सॉलिड कंक्लूजन विद एनी सॉलिड फ्रेमवर्क ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पीपल वर्किंग इन द मुस्लिम कंट्रीज जो उस मीडिया में जो लोग काम करें उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली लेकिन इसके अलावा जो भी एफर्ट्स रही हैं उनमें शायद को डेवलपमेंट के हवाले से तो बात की गई है उसमें शायद इस हवाले से तो बात की गई है कि मुस्लिम कंट्रीज़ के इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट है उनको हम प्ले आप करें उनके ऐसे इश्यूज जो कि सोसाइटीज़ जिन इश्यूज़ को सफ़र कर रही हैं उनको यहाँ पे इन मीडिया के थ्रू जो इस्लामिक कंट्रीज़ के थ्रू या वो जो जर्नलिस्ट इकट्ठे बैठे थे जकार्ता में वो उनको प्ले आप करें उनको उभारें तो इस लेवल पे तो किसी हद तक कंसेंसस अवेलेबल था और पहली मरतबा ये देखने में आया कि जो मीडिया मुसलमानों का था वो वो उन कोर प्रॉब्लम्स को जो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर पाए जा रहे हैं उसके हवाले से कुछ एफर्ट्स तो देखने में आ रही थी उसके हवाले से कुछ चीज़ें तो सामने मीडिया पर आ रही थी लेकिन जर्नलिस्ट के लिए और मीडिया के लिए जो ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट था उसकी डिवाइस करने में भी प्रॉब्लम्स रहे हैं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में तो अभी तक प्रॉब्लम है और शायद कोई ऐसी सूरत हाल अभी तक नहीं उभर पाए जिसमें मुस्लिम मीडिया जो है वो इस्लामिक कोड ऑफ़ कंडक्ट के तहत काम करे बल्कि इसमें जो स्कॉलर्स थे जो मुस्लिम कंट्रीज़ के सारे सारे वहाँ पे मौजूद थे जिन लोगों ने कोड ऑफ़ कंडक्ट के हवाले से बातें की उन्होंने कोई इंथोजिजम और इंटरेस्ट तो बहुत शो किया लेकिन दैट कुड नॉट कम अप समथिंग सॉलिड। इवन वो मैगजीन्स जो कि प्योर इस्लामिक मैगजीन्स हैं और दुनिया में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स मिलती हैं, दे आर आल्सो इनहेरेंटली डिफरेंट डिफरेंट द जनरल मीडिया उनके अंदर भी वो नजर नहीं आता कि वो इस्लामिक वैल्यूज और न्यूज की डेफिनेशन को इस तरीके से डील कर रहे हो बल्कि ये जो फौरन और जो वेस्टर्न एक्सपर्ट हैं वो वो इसको इस तरह से ले रहे हैं कि जो रिवर्स सेकुलरिज्म अप्रोच ऑफ मीडिया न्यूज़ गैदरिंग एंड न्यूज़ है जो वेस्टर्न अप्रोच है वो जो इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म रही हैं वो इन दोनों को कोशिश की है इस्लामिक जर्नलिस्ट की मूवमेंट्स थी कि वो रिवर्स वेस्टर्न कोई चीज़ ऐसे डिवेलप कर सकें लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट वॉज मिल्ली इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा एक ऐसी फॉर्म में आता है जो कन्फ्लिक्ट आइडियाज़ के साथ आती है और पॉलिटिक्स की जो डिमेन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने की वजह से वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में शायद कोई इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स डेवलप ही ना हो पाए क्योंकि उसके अंदर जो पॉलिटिकल डोमेन्स हैं उन पे ज़्यादा कवर करने की बात की गई है तो पोलिटिकल डिमेंस डोमेन्स में जब कवरेज की बात होगी तो यकीन वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू उसमें प्रिवेल कर जाएगा तो जो और एक और उन्होंने डेंजर की बात की है कि अगर ये कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल इन ट्रू स्पिरिट अगर इस्लामिक परस्पेक्टिव के अंदर अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए मुस्लिम कंट्रीज के अंदर तो इस्लामिक जर्नलिज्म का

या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पाई जा रही हूँ ये एथिक्स और ये कोड ऑफ कंडक्ट इनफैक्ट उनको प्रमोट करने का बायस बनेगा तो ये जो फियर्स हैं और ये जो डेंजर्स देख रहे हैं वेस्टर्न स्कॉलर्स वो प्राइमरली इसको इस पॉइंट व्यू से ले रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई रेडिकल एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिस्ट को जन्म ना दे एक ग्रुप फॉर्मेशन में उनकी कोई हेल्प ना कर सके लेकिन चूंकि ये एफर्ट्स को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हुई तो इन वेस्टर्न एक्सपर्ट्स जो रिजर्वेशन है और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है इस्लामिक जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो यहां से इस्लामिक जर्नलिस्ट का कॉन्सेप्ट भी बेसिकली उभरता है और ये वो इस्लामिक जर्नलिस्ट का कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली इस्लामिक वेज ऑफ लाइफ को अडाप्ट भी करता है उनको प्रोमोट भी करता है और इनवेरिएबली वो उन चीज़ों पे ही अपनी नज़र रखता है जो कि इस्लामिक परस्पेक्टिव में ली जा सकती हैं तो उसकी जो रिपोर्टिंग का अंदाज़ होगा वो कुछ मुख्तलिफ होगा उसका न्यूज़ गैदरिंग का अंदाज हो सकता है मुख्तलिफ हो उसका दुनिया को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो उसके मुख्तफ इशूज़ को करैक्टराइज करने का अंदाज भी मुख्तलिफ हो उसका पॉलिटिक्स में जो उसके व्यू पॉइंट है वो भी उसका मुख्तलिफ हो सोसाइटी के हवाले से उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो भी हो. तो ये जो अगर इस्लामिक मुख्तलिज्म कम्स इन शेप इन सम शेप, तो डेफिनेटली हु बी वर्किंग इन इस्लामिक जर्नलिज्मिकॉइंट ऑफ व्यू टूर्ड्स थिंग्साइटी के इशूज पे उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो ये सारे के सारे अगर हम इनको इस सूरत में देखने की कोशिश करें तो वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ पे बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं कहीं कहीं कोई ऐसी एफर्ट कामयाब ना हो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे इस्लामिक जर्नलिज़्म पैदा हो जहाँ पे इस्लामिक जर्नलिस्ट पैदा हों एंड दे शुड क्रिएट सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टर्न मीडिया एंड विद द वेस्टर्न स्टेट ऑफ अफेयर्स बाय द जर्नलिस्ट अगर हम इसको इस तरह से लें कि एक इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स इस्लामिक जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट अगर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो फिर हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जर्नलिस्ट के लिए एक इनविटेबल सी सिचुएशन पैदा होगी कि वो अपने पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेस करे इस्लामिक वैल्यूज़ में वहाँ पे सोर्स और जर्नलिस्ट के दरम्यान में जो रिलेशनशिप है ये डिफरेंट हो जाएगा वहाँ पे जो एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप है वो डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे जो इंडिविजुअल का विद इन द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो उसका रोल है ये डिफरेंट हो जाएगा यू विल बिकम आंसरेबल टू द सोसाइटी यू विल बिकम मोर प्रून टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इसलिए कि यू आर स्टैंडिंग समवेयर एट अपर लेवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को सर्व करने के हवाले से होगी हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से होगी ने की अब भलाई और नेकी का हुक्म करने के हवाले से होगी क्योंकि जर्नलिस्ट बेसिकली उन चीजों को अपने सोसाइटी के अंदर होल्ड कर रहा होता है जो वेरी पावरफुल हैं जो, जो कि सोसाइटी को डायरेक्शन देने का बायस बनती हैं तो एक पूरा मैकेनिज्म एक पूरा सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन वो डिफरेंट हो जाएगा अगर हम इस तस्वर को लेते हैं कि मुस्लिम का जो अलग कोड ऑफ एथिक्स है वो मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर प्रिवेल करें और उसको ही तमाम जर्नलिस्ट और उसी को ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अमल पैरा हो, तो इस सूरत में आपको पूरा सिस्टम ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा उसको रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ेगी हम इस पे आते हैं कि जो इस बेसिक इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स हैं वो क्या हो सकते हैं अगर हम आज के दौर में आज पे अगर हम नजर डालें तो हमें जो मोस्टली कोड ऑफ एथिक्स हैं वो वेस्टर्न नज़र आते हैं उनकी फिलोसॉफी बेसिकली वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर वेस्टर्न सोशल थॉट्स के अंदर पाई जा रही होती है वहाँ पे जो फोकस मेनली है उनका वो अटानमी पे है वो इंडिविजुअल राइट्स पे है एंड ऑफ़ कोर्स दे टॉक अबाउट इंश्योरिंग जस्टिस इन द सोसाइटी इस चीज़ पे उनका फोकस मेनली है और जो एथिकल थीरीज हैं बेसिकली वो बेसिकली मिनिमम ऑब्लिगेशंस टू अदर उसके हवाले से बात करती हैं कि क्या कम से कम ऑब्लिगेशन सोसाइटी की तरफ लोगों की तरफ इश्यूज की तरफ हो सकती हैं उस हवाले से बात करती हैं और जो मेन बात वहाँ पे की जाती है वो इस तरह से कि जब भी आप कोई काम करने के लिए जाते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क यूर सेल्फ वेदर दिस इज़ एथिकल आप इस क्वेश्चन पे बेसिकली डिसाइड करते हैं कि क्या मैं एथिकल हो रहा हूं या अपने एक्शन में अनएथिकल हो रहा हूं तो जो वेस्टर्न थॉट्स हैं जो वेस्टर्न फसफ़ी है कोड्स ऑफ एथिक्स के हवाले से तो वो उससे मुख्तलिफ है जो हमारे रिलीजन के अंदर पाई जा रही है वो उससे बड़ी डिफरेंट है अब जरा हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस्लामिक कोड ऑफ़ एथिक्स के बेसिस क्या बनते हैं हिस्टोरिकली अगर हम इसको देखें तो मुस्लिम मोरल्स हो गए या मुस्लिम एथिकल थाट्स हो गई वो रूट करती हैं रेवोल्यूशन से और ह्यूमन रीज़न से कि हमें कोई चीज़ डिवाइनली अता की जा रही होती है हमारी कोई भी चीज़ है वो ह्यूमन रीजन शौर के थ्रू भी अता की जा रही होती है कि अलामिया ने इंसान को अपना नायब बना के इस दुनिया के अंदर भेजा है तो उसके अंदर जो शौर है उसके मुताबिक वो फैसला करेगा और यकीन कोई चीज़ें डिवाइनली रेवोल्यूशन की फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल हैं इन दोनों पे बेस करके हमने अपने एक्शंस को तरतीब देना होगा और इसकी तरतीब देने में जब हम जर्नलिस्टिक कोर्ट्स की बात करने हैं करने की बात करते हैं तो फिर हमें यह देखना होगा कि हमारे जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनको रिकोगनाइज करना होगा हमें ह्यूमन ऑब्लिगेशन को एम्फोसाइज करना होगा और सोशल जस्टिस को सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करने में सोसाइटी के अंदर एम्प्लीमेंट करने में यकीनन एक जर्नलिस्ट का रोल बनेगा वो उसको हर सूरत में परफॉर्म करना पड़ेगा और सोसाइटी के अंदर जो हमारा रिलीजन कहता है वो ये कि जो प्रिविलेज क्लास है सोसाइटी के अंदर दे हैव ग्रेटर सेंस ऑफ़ ऑफ़ एंड सेट द लेस फॉर्चुनेट पीपल तो जो सोसाइटी के अंदर एक लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और अपर सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में उनकी ऑब्लिगेशन और उनके राइट्स डिफरेंट बन जाते हैं जबकि वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर हम अगर देखने की कोशिश करें तो वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर चाहे आप लोअर लेवल पे रह रहे हैं या अपर लेवल के सोसाइटी के रह रहे हैं आपकी जो सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यूजुअली दीज आर कंसिडर टू बी वन एंड द सेम इक्वल राइट्स की बात की जाती है लेकिन हमारा रिलीजन ये कहता है कि जो ज़्यादा फार्चुनेट हैं जो ग्रेटर और हायर लेवल ऑफ सोसाइटी सेगमेंट में मौजूद हैं उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं अगर आप खलीफा हैं तो आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं अगर आप किसी इलाके के गवर्नर हैं तो आपसे तमाम लोगों के हवाले से पूछ कूछ की जाएगी आपसे सारी सोसाइटी के हवाले से इंफॉर्मेशन ली जाएंगी और आपको उसका रेस्पांसिबल कंसिडर किया जाएगा तो ये जो सेट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन हमारा रिलीजन देता है फिर ये चीज यहां पर इंप्लीमेंट होती हुई नजर आनी चाहिए चूंकि जर्नलिस्ट एक सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ बिलोंग करता हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक इंडिविजुअल से यकीन मुख्तलिफ होंगी जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज में इसको इक्वल टू अदर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी कंसिडर किया जाता है और इसमें जो क्वेश्चन आमतौर पर हम पूछते हैं कि क्या जो एक्टिंग पर्सन है इज ही अ मॉरल पर्सन अब इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि वट एवर ही इज डूइंग इज मॉरली एंड एथिकली करेक्ट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स कि जो शख्स जो काम कर रहा है क्या वो मॉरली एंड एथिकली ए करेक्ट पर्सन है मजहब में अगर हम हमारे मजहब में अगर आप देखें कि जो शख्स शहादत के लिए आ रहा है तो शहादत तो बात की बात है कौन शख्स शहादत देने के काबिल हो सकता है तो पहले उसकी खूसियात बयान की गई हैं कौन शख्स एक जर्नलिस्ट बन सकता है उसकी खसूसियात बयान की गई हैं अगर वो शख्स मारे लिए एथिकली करेक्ट पर्सन है देन ही मे बी गिवन दिस परमिशन दैट ही शुड डिस्पेंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गो फॉर एक्शन इन हिस्स फील्ड जबकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स हो गई जब वेस्टर्न सोशल और मीडिया थाट्स हो गई वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि इंडिविजुअल्स को आप साइड पे रख दें आप ये देखें कि इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए एथिक है एथिकल है या मॉरली करेक्ट है लेकिन हमारे रिलीजन के अंदर इसका वॉइस वर्स है दैट स्टार्ट फ्राम द वन हु इज़ एक्टिंग ऑन थिंगज़ वेदर ही इज़ मॉरल और एथिकल इस चीज़ से ही हमारा मज़हब गुफ्तु का या इस किस्म के प्रोसेस का आगाज करता है एक थोड़ा सा कंपैरिज़न करने की कोशिश करते हैं कि जो इंग्लिश टर्म है एथिक्स इंग्लिश टर्म एथिक्स में उर्दू और अरेबिक में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो इसकी जो इक्वलेंस है इसके जो मीनिंग्स में वो क्लोज तरीन आ पड़ता है तो वो उसमें दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं आदाब एंड अखलाक तो एथिक्स उर्दू और अरेबिक के अंदर आदाब और अखलाक के बराबर हैं तो अब ज़रा ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या एथिक्स जिस तरीके से अपने अंदर जो डेफिनेशन और जो एरिया लिये हुए हैं क्या आदाब और अखलाक उसी एरिया के तहत हैं या इनका एरिया थोड़ा सा वाइडर है अगर हम हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट को अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि मुस्लिम्स ने अपने अखलाक कैसे बनाए मुस्लिम के अखलाक इसका जो बेसिस है वो क्या है तो हमें नज़र आएगा कि मुसलमानों के अखलाकियात का और अखलाक का जो बेस है वो उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव उससे कहीं ज़्यादा ब्रॉडर है जिसको हम एथिक्स के टर्म में लेते हैं अखलाकियात का जो सिस्टम है वो बेसिकली इनकॉर्पोरेट करता है अपने अंदर वो शख्स जो कि वर्चुअस काम करने के लिए जा रहा है उसको भी हम देखते हैं और जो काम वो कर रहा है हम उसको भी देखते हैं आई मीन दर्चुअस एजेंट एंड हिज एथिकल ये दोनों हमारे लिए अखलाकियात के जुमरे में आते हैं लेकिन अगर हम इसको वेस्टर्न था के अंडर देखने की कोशिश करें तो एथिक्स डू नॉट सी दैट हु क्या कोई बात कह रहा है ये बात अहम होती है कौन कह रहा है प्रॉब्ली इस बात की कोई अहमियत नहीं होती लेकिन इस्लामिक परस्पेक्टिव के अंदर हम देखने की कोशिश करें तो अख्लाक जिससे चीज पे बेस करते हैं उसमें वो जो वर्चुअस एजेंट है जो कोई बात कर रहा है या जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी कुछ खसूसियात हैं वो अच्छाई की खसूसियात पे अगर पूरा उतरता है तो फिर उसके एक्शंस को देखा जाता है और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छे काम करेगा लेकिन अगर वो उससे मुख्तलिफ है तो यकीन उसकी वैल्यू उस सोसाइटी में कम होगी जिसको हम इस्लामिक सोसाइटी कहते हैं थोड़ा सा ज़रा ये देखने की कोशिश करते हैं कि कुरान और अदीस में जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एथिकल कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हो सकते हैं अगर हम इसको अल्लाह ताम से अगर हम शुरू करें तो बहुत सारी एथिकल करैक्टरस्टिक्स बहुत सारी एथिकल स्टैंडर्ड्स और एथिकल जो वैल्यूज़ हैं वो हमें शायद यहाँ पर बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आ जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह त नाम अर रहीम कम्पैशनेट अर्नलिस्ट शुड बी कम्पेश पीपल ही कॉवर्स कम्पेश टूवर्स द नीड्स ऑफ दोसाइटी और दूसरा अगर हम अल्लाह त नाम लें अहमान ग्रेशियस एक जर्नलिस्ट को इस स्टम में भी देखने की जरूरत है का नाम अल गफूर, फॉर ऑफ़ कोर्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल स्टैंडर्ड है कि दैट यू शुड फॉर गिव द रॉन्ग द लेवल मैक्सिमम। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है एक ऐसा एथिकल स्टैंडर्ड है जो कि हमें अपने नजर में रखना चाहिए अपने हर किस्म के काम में इसी के तनाजर में करना चाहिए सिमिलरली अल्लाह ताला का नाम अल हक मीनस कि ट्रूथ एंड जस्टिस तो ट्रूथ एंड जस्टिस यकीनन वेस्टर्न थाट्स में भी जस्टिस की और ट्रुथ की बात की गई है लेकिन यहाँ पे वो एप्सोलूट ट्रुथ की बात की जा रही है वहाँ पे वो एप्सोलूट जस्टिस की बात की जा रही है वो ट्रुथ जो सोसाइटी के लिए हो वो ट्रुथ जो सोसाइटी को प्रॉस्परस करे उसके फायदे के लिए हो और वो जस्टिस जो सोसाइटी के अंदर एगेलीटेरियन जस्टिस को पैदा कर सके उस हवाले से उस जस्टिस के हवाले से बात हो रही है अगर हम कुरान और हदीस के हवाले से अगर आप देखने की कोशिश करें तो कुरान और हदीस में क्या कहा जाता है कल्टिवेट बिर यानी पायटी को और गॉडलीनेस को आप क्रिएट करने की कोशिश करें पायटी को पाकिजगी को और बुजुर्गी को और एक ऐसे नेक कामों को आप करने की कोशिश करें अगर हम कुरान और हदीस से अगर कोई दूसरा सोर्स लेते हैं एथिक्स के लिए तो वो आसना होता है यानी द आइडियल यानी कोई काम भी जब एक मीडिया कर रहा है तो दैट शुड बी द आइडियल वन जर्नलिस्ट शुड भी दुड नॉट ओनली दी फॉलो पीपल राधर दे शुड भी दीपल दैट पीपल शुड बी एबल टू फॉलो दैम इनके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनको देख कर लोग इनके पीछे चलें इनको फॉलो करें क्योंकि इनका रोल एक सोसाइटी में हम वेस्टर्न सिस्टम के अंदर भी अगर आप देखें तो कंसिडर किया जाता है कि देयर रोल इज़ दैट ऑफ एन एजुकेटर एज़ वेल तो कौन हो सकता है एजुकेटर एक आइडियली हमेशा एजुकेटर हो सकता है तो एक जर्नलिस्ट के अंदर और मैथ्स मीडिया के अंदर वो क्वालिटीज़ होने चाहिए जो उसको आइडियल बना सकें कुरान हदीस में एक और बड़ी अहम जो एस्पेक्ट है उसकी तरफ जब इशारा किया जाता है तो वो है हिल्म हिल्म से मुराद ये है कि तबीयत के अंदर गुफ्तगू के अंदर जो हिलमियत है जो हलीमत है जो नरमी है वो होनी चाहिए आई मीन जेंटलनेस होनी चाहिए पेशेंस होना चाहिए और मॉरल रीजनेबलनेस होनी चाहिए ये मीडिया के अंदर भी हो ये जर्नलिस्ट के अंदर हो और ये यकीन एथिक्स की एक बड़ी इम्पॉटेंट फॉर्म है और यकीन एक एक और फॉर्म भी कुरान और हदीस से हमें सामने नज़र आती है जो कि अच्छा इम्पॉर्टेंट एथिकल कोड बन सकता है वो वह अदलवाक आई मीन द जस्टिस एंड द इक्विटी, सिमिलरली हमारे पास अगर अगले करेक्ट्रिस्टस की तरफ जाए अगले एथिक प्रिंसिपल की तरफ जाएं तो वो तोजन की सूरत में नजर आता है बैलेंस की सूरत में नजर आता है अब अगर थोड़ा सा देखें तो ये वो सारे एक्शन हैं जो सोसाइटी से जो जो सोसाइटी डिमांड करती है मीडिया से अगर हम मीडिया के कोड ऑफ एथिक्स कंडक्ट के बनाएंगे तो यकीनन इन लाइंस को फॉलो करते हुए बनाएंगे एक जर्नलिस्ट जो है ना वो अलबिर कल्टिवेट भी करें वो आसाना भी हो उसके अंदर हिल भी हो वो अदलो किस की बात भी करे उसकी रिपोर्टिंग के अंदर बैलेंस भी हो ये तमाम अगर एक जर्नलिस्ट के अंदर और मीडिया जब ये काम करेगा तो मीडिया बी बी प्रूविंग टू एथिकल कुछ ऐसे भी एक्ट हैं जिनको कुरान और हदीस के हवाले से मना किया जाता है कि आप वो काम नहीं करेंगे हम जरा देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से काम है मिसाल के तौर पर अवॉइड किब्री तकबर इट को एवॉइड करें चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो मास मीडिया हो चाहे वो एक आम इंसान हो ये एक बहुत इंपॉटेंट एलिमेंट है कि वो तकब्बर से गुरेज करें क्योंकि तकब्बर इस कायनत के चंद बड़े गुनाहों में से है क्योंकि जो भी तकबर में मुब्तला हुआ है वो बहुत बड़े गुनाह को सरजद करते हुए पाया गया है इसके अलावा जो दूसरी एक चीज़ है जिसको एवॉड करना चाहिए वो वो है बखीला यानी जो एवरेस्ट है जो आप आप जो बुखालत से काम लेते हैं उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है ये ऐसा चीज़ है जो कि एक जर्नलिस्ट शुड नॉट डू दैट जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उसमें जो डूज हैं उनकी हम बात कर चुके हैं और ये वो चीज़ हैं जो डोंट्स में आ रही हैं जिनको एक जर्नलिस्ट को और मैथ मीडिया को अवॉइड करना चाहिए और इसके अलावा जो अगला फीचर है जो अगला प्रिंसिपल है वो इस तगना का है यानी जो अनबाउंड कॉन्फिडेंस इन सेल्फ है उसको भी अवॉइड करना चाहिए बहुत ज्यादा अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस लोग महसूस करते हैं दे फील ऑलवेज दम सेल्फ द सुपीरियर पीपल इन द सोसाइटी हमारा मजहब ये कहता है कि नो आपके अंदर इस तगना नहीं होना चाहिए आपके अंदर इनजस्टिस की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर वो पावर नहीं होनी चाहिए दुनिया वाली जो आपको इंटॉक्सिकेट करें जो आपको मुआशरे की बुराइयों की तरफ लेके जाए जो आपको लालची बनाए ऐसी पार ऐसी जो दुनियावी कुतें हैं जो दुनियावी जबिलतें जो इंसान यहां से ले रहा होता है कि वो हवस का शिकार भी होता है वो पैसे की हवस का शिकार भी होता है वो इनजस्टिस को भी कमिट करने की कोशिश करता है इन तमाम चीज़ों से कुरान और सुन्ना हमें रोकने की कोशिश करते हैं तो इस्लामिक कोड ऑफ़ एथिक्स बेसिकली अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसके जो मेन दो एस्पेक्ट्स बनते हैं वो जो हमें करना चाहिए और वो जो हमें नहीं करना चाहिए एज ए प्रोफेशनल तो मीडिया के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो इन दोनों पर बेस करते हुए होने चाहिए हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि जो मीडिया के इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स हैं वो क्या होने चाहिए क्योंकि एक जर्नलिस्ट का जो फॉर मोस्ट कंसर्न होता है वो डिसमिनेशन ऑफ न्यूज़ होता है तो हमें इस चीज़ पे एग्री करना पड़ेगा कि फिर न्यूज़ की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और यकीनन मैं इस पे जैसे पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि न्यूज़ की डेफिनेशन कुरान और सुन्ना के फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए हमारे लिए न्यूज़ वो ना हो जिस तरीके से वेस्टर्न्स उसको डिफ़ाइन करते हैं हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि जो प्रोसेस ऑफ न्यूज़ गैदरिंग है उसमें अमानत दीनत और वो तमाम खसूसियात जिनका अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका हूं उन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा न्यूज़ मेकिंग और न्यूज डिसमिनेशन में भी इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो चीज़ हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो इस्लामिक एथिक्स को और इस्लामिक फ्रेमवर्क जो है वर्क का जो फ्रेमवर्क है उसके साथ कंसाइड करता हुआ है उसके साथ एग्री करता हुआ है या नहीं अगर हम आज अगर इस सिस्टम को अपने से हाथ देखने की कोशिश करें माशरे के अंदर जो वायलेंस है उसकी एक अहम वजह यकीन टेलीविजन और मीडिया में वायलेंस का होना है और अब तो बहुत सॉफ्ट वायलेंस के फॉर्म्स भी आ गई हैं जो इनफैक्ट आपको वायलेंस नजर नहीं आता टेलीविजन पे लेकिन वो वायलेंस को इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंसाइट करता है इंडिविजुअल्स के अंदर उनके अंदर जगह बनाता है और उनको वायलेंस के लिए प्रिपेयर करता है तो हमारे अगर इस्लामिक परस्पेक्टिव के अंदर और इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर जब भी हम काम करने की कोशिश करेंगे तो वी वुड बी एबल टू अवाइज दीज थिंग्स इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो ये है कि हमें जो एग्जिटिंग इंफॉर्मेशन ऑर्डर है उसकी जो थोरेटिकल फाउंडेशन हैं डेफिनेटली हमें वो भी चेंज करने की ज़रूरत होगी क्योंकि ये सारे की सारी वो ड्राइविंग फोर्सेज होती हैं जो हमें दुनिया की तरफ लेके जाती हैं जो हमें दुनियावी फ़वाद की तरफ ले कर जाती हैं हम इस चीज़ से कम कंसर्न होते हैं कि मैं आखरत में भी किसी चीज़ के लिए अपने किसी एक्ट के लिए जवाब दे हूँ मैं अपने आप को हमेशा जवाब दे महसूस करता हूँ अवाम के सामने अपने लोगों के सामने अपने एडिटर के सामने अपने चीफ रिपोर्टर के सामने अपने प्रोड्यूसर के सामने लेकिन मैं इस चीज़ को अपने सामने मद्देनज़र नहीं रखता कि मैंने दुनिया की एक जो क्रिएटर है उसके सामने भी अपने आप को जवाबदेह होना है तो इनफैक्ट वो जो पूरा का पूरा जो थ्रेटिकल फाउंडेशंस हैं वो जो फ्रेमवर्क है जिसमें आज हम ऑपरेट कर रहे हैं अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे इस्लामिक फ्रेमवर्क या इस्लामिक एथिकल कोर्स के अंदर हम रखने की कोशिश करेंगे तो यकीन हमारे लिए सबसे अहम बात यही होगी कि हम सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल अपने अल्लाह को हैं जिसने हमें बनाया जिसने इस दुनिया में भेजा और जिसने हमें वो तमाम कैपेबिलिटीज़ दी हैं जिसकी वजह से आज मैं इन तमाम रिस्पॉन्सिबलिटीज़ को डिस्पेंस कर रहा हूँ तो फिर उसके बाद आप अपने ज़मीर के सामने जवाबदेह होना है फिर उसके बाद लोगों बॉसेज और अपनी आर्गनाइजेशन के अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हम वेस्टर्न थॉट्स में लेते हैं या जो वेस्टर्न कोड ऑफ एथिक्स में है इसमें बिल्कुल रिवर्स उसका आपको नज़र आता है कि वहाँ पे वो ये समझते हैं कि लोगों के सामने आपने जवाबदेह होना है अपने बास के सामने जवाब देने जवाबदेह होना है यहाँ पर इस बात की कम बात की जाती है कि आपने अपने ज़मीर और अल्लाह ताला जो आपका क्रिएटर है उसके सामने भी जवाबदेह होना है अब हम उस सेंट्रल पॉइंट की तरफ जाते हैं जो कि इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स में अगर हम देखें तो वो बड़ा कोर पॉइंट होगा हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं सेंट्रल पॉइंट जो इस्लामिक मॉरल सिस्टम का है वो कॉन्सेप्ट ऑफ तोहीद है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस करती है कि अल्लाह ताला सावरन है और सुपर में से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है और हमने अपने तमाम कामों के लिए अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है बेसिकली तो ना वो इंप्लाई करता है यूनिटी को तहीद इंप्लाई करता है कोहेरेंस को और हारमनी बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी तो तुहद एक बड़ी कोर वैल्यू है इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें कैद हैं इसके अंदर वो तमाम चीज़ें डिफाइंड हैं जो कि एक मुसलमान को अपने आ, लाइफ के अंदर ले आने चाहिए तोहीद बेसिकली सिग्नीफाई भी करते हैं जो एग्जिस्टेंस ऑफ ए परपज़ इन द्रिएशन है कि हम किस लिए पैदा हुए हैं तोहीद उसको भी सिग्नीफाई करता है और इंसान को उन तमाम जो ह्यूमन इश्यूज़ हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उन सब से इंसान को लिबरेट करता है जो इंसान के बनाए हुए हैं जो इंसान और सोसाइटी के बनाए हुए प्रॉब्लम्स हैं इंसान को उससे लिबरेट करता है तो तोहीद का कॉन्सेप्ट एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है और हम इसको जितना ज़्यादा अपने मीनिंग्स के हवाले से अनफोल्ड करते जाएंगे हीद की और ज्यादा जो उसकी डेफिनेशन हैं, जो उसके एरियाज हैं वो हमारे लिए सरफेस होना शुरू हो जाएंगे उनको हम समझना और देखना शुरू कर देंगे तो मैं ये समझता हूं कि हम जब इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे लिए बड़ी अहम चीज है वो तोहीद के कॉन्सेप्ट को समझना और अपने पूरे के पूरे सिस्टम को तोहीद की कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ट अप करना है यानी हमारे तमाम कोड ऑफ एथिक्स की जो फाउंडेशन है दैट शुड बी तोहीद एंड तोहीद ओनली हम इस पे जरा थोड़ा सा फर्दर भी डिस्कस करते हैं तोहीद का कांसेप्ट बेसिकली हमें जो जिंदगी इसके बाद की है वो हमारे लिए एक अगेन एक ड्राइविंग फोर्स बनती है कि इसके बाद की जो जिंदगी आज हम यहाँ पे बसर कर रहे हैं जो काम आज हम यहाँ पे कर रहे हैं इस काम के लिए हमें इसके बाद वाली जिंदगी में जवाबदेह होना है हमने एक अल्लाह के सामने अपने आप को हाजिर नाजर पाना है और जो भी छोटा या बड़ा काम हमने किया है उस काम के लिए हमने अपने आप को वहां पे जवाबदेह करना है जब किसी शख्स के पास ये क्वालिटी होगी ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से सोसाइटी के अंदर काम सर अंजाम देगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी एक्शन की तरफ अपने उस शख्स से मुख्तलिफ होगा जो बड़ी सेकुलर अप्रोच रखता है जिसका तस्वीर ही नहीं है कि उसने किसी शख्स के सामने या किसी जात के सामने अपने आप को आंसरेबल करना है उसकी जिंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी ऑर्गनाइजेशन और अपने बॉसेज और चंद इर्द गिर्द के लोग इसके अलावा उसकी जिंदगी का महवर कुछ नहीं होगा लेकिन जो शख्स तोहित के फलसफे पे और तोहीद के अंदर जो छुपी बातें हैं उनको समझ के अपने ज़िंदगी को गुजारेगा तो उसके लिए यह बात बड़ी अहम होगी कि वो जो काम भी करेगा वो ये देखेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे किस तरह ये काम करने के लिए कहा है अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए क्या मैसेज मुझ तक पहुंचाया है क्या ट्रडिशन मुझ तक पहुँची हैं मेरे ज़िंदगी को कैसे गुजारना है और मेरे लिए ज़िंदगी की जो इंस्परेशन है वो क्या होनी चाहिए तुहद का फलसफा बेसिकली इन तमाम चीज़ों के मुतालिक आपको गाइड करता है और आपके तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है तो एक इंडिविजुअल के लिए अगर हम ये देखें कि तुहद पे बेस करके जब भी कोई चीज़ होगी तो वो उसको ज्यादा पायस बनाएगी ज्यादा रिस्पांसिबल बनाएगी एंड ऑफ कोर्स उसको ज्यादा एथिकल बनाएगी एक जर्नलिस्ट जो कि अपनी फैकल्टी ऑफ एबजरवेशन है जो अपनी कुतें हैं ऑब्जर्वेशन की जो रीज़न और कॉन्शियस लेवल पे जो चीज़ों को देखने की उसकी रिफ्लेक्शंस देने की उसकी जो सलाहियत है उसकी जो इंसाइट है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो विजडम है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि जो चीज़ भी मेरे पास है ये अल्लाह ताला की अमानत है बेसिकली ये ट्रस्ट ऑफ गॉड है मुझ पर कि मेरे पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो इन चीज़ों को उसने अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना अपने ीी फ़ायद के लिए इस्तेमाल नहीं करना अपने ह्यूमन सेल्फ के लिए इस्तेमाल नहीं करना अपनी सोल के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना उसने अपनी न्यूज़ को सेल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना बल्कि उसका जो मकसद होगा इन तमाम चीज़ों को जो उसके पास मौजूद हैं उसकी जो ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी है उसकी जो इनसाइट है उसकी जो फैकल्टी ऑफ फाइंडिंग आउट रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग और विजडम ये तमाम चीज़ें प्राइमरली उसको जब दी गई है तो इस मकसद के लिए ताकि वो ट्रुथ को अनवेल कर सके ट्रुथ को लोगों के सामने ले आ सके वो उन चीज़ों का खात्मा कर सके सोसाइटी के अंदर जिस चीज से हमारा मज़हब मना करता है तो ये जब बेसिस बनेंगे हमारे एथिक्स की तो यकीन एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग एक डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नलिज्म जन्म लेगी और हम इस बात को समझते हैं कि जब कोई जर्नलिस्ट इग्नोर करेगा उस पर्पस को जिसके लिए वो क्रिएट किया गया है तो ही वुड नॉट बी गुड फॉर हिमसेल्फ ही वुड नॉट गुड फॉर हिज फैमिली एंड ऑफ कोर्स ही वुड नॉट बी गुड फॉर द सोसाइटी ओवरऑल तो इस चीज़ को हमें समझने की जरूरत है कि जो अल्लाह ताला के दिए हुए मकासद हैं ह्यूमन के लिए हमें उनको समझने की जरूरत है और कोई भी किसी भी लेवल पे किसी भी पोजिशन पे कोई भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए अहम है कि वो इस चीज़ को देखे कि मुझे अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया है अगर हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे जाए और इम्प्लिकेशन ऑफ तोहित की तरफ मजीद अगर हम आगे बढ़े तो हमें नजर आएगा कि एक मुसलमान की और पर्टिकुलरली एक जर्नलिस्ट की मैस मीडिया में जो काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी जो एथिक्स का फ्रेमवर्क है वो किन चीज़ों पे हो सकता है हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं अगर इसको पहला अगर मैं एक एलिमेंट के तौर पर लूँ तो वो कुछ इस किस्म का बनेगा टू डिस्ट्रॉय मिथ्स आप देखें कि हमारी जो इस वक्त कॉन्टेपोरे वर्ल्ड है उसके अंदर मिथ्स उसके अंदर जो गलत फलसफे हैं जिनका कोई बेस नहीं है वो बड़े ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं वो मिथ्स ऑफ़ पावर भी हैं वो मिथ्स ऑफ प्रोजिडस भी हैं वो मिथ्स ऑफ प्रोग्रेस भी है वो मिथ्स ऑफ साइंस भी हैं मिथ्स ऑफ डेवलपमेंट भी हैं मिथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी हैं मिथ्स ऑफ डेमोक्रेसी अचीवमेंट्स एंड सक्सेस भी हैं है। है। हमें इन तमाम मिथ्स को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है हम जब ये कहते हैं कि जो पावर है वो किसी रूलर के हाथ में नहीं है पावर सिर्फ़ अल्लाह मियाँ के हाथ में है सिर्फ अल्लाह ताला के पास पावर मौजूद है प्रोग्रेस वो प्रोग्रेस नहीं है कि जो लोग आपको समझते हैं कि प्रोग्रेस दी जाए प्रोग्रेस सिर्फ और सिर्फ वो है कि एज ए ह्यूमन जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो तब आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट नहीं है कि लोगों के पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हों इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो लोगों के पास तमाम फैसिलिटीज़ जो यूटिलाइज करते हैं वो होनी चाहिए नहीं डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम हमें देता है वो ये कि हकूकबाद आप कितने परफॉर्म करने वाले इंसान हैं आप एज ए इंसान कितना ऊपर गए हैं ये चीज़ें अहम हैं जो ये मिथ्स के डिवेलप्ड ये हैं अंडर डिवेलप ये है पावर वाले ये हैं और लेस पावरफुल पीपल ये हैं मॉडर्नाइजेशन ये है और अंडर डेवलपमेंट ये है ये सारे के सारे जो मिथ्स हैं हमारे रिलीजन के तहत अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको देखने की कोशिश करें तो एक जर्नलिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो सोसाइटी के यहाँ से इन मिथ्स को डिस्ट्रॉय करें क्योंकि पर्सनैलिटीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती ह्यूमन इम्पोर्टेंट होते हैं ह्यूमन वैल्यू इम्पॉर्टेंट होती है एंड ह्यूमन वैल्यू शुड भी सुपीरियरली डिफाइंड तो जो पहला एस्पेक्ट बन रहा है कि वो जो मिथ्स हैं हैज़ सपोज़ फ्रॉम द सोसाइटी इसी प्रिंसिपल के अंदर हम जो प्रिंसिपल ऑफ तो हमें इस हवाले से बात कर रहा है कि मिथ्स को खत्म करने की जरूरत है वो एक और फंडामेंटल कॉन्स्टिट्रेशन भी देता है कम्युनिकेशन के हवाले से वो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ दोज थॉट्स विच आर इन फैक्ट बेस्ड ऑन डुअलिज्म बेस्ड ऑन रेशलिज्म बेस्ड ऑन ट्राइबलिज्म एंड बेस्ड ऑन फेमिलियल सुपीरियरिटी अब इन चीजों को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है और यकीनन तोहीद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से ये सारी चीजें एमिनेट हो रही हैं ओरिजिनेट हो रही हैं जब हम ये कहते हैं कि हम दूसरों से मुख्तलफ है हमारी रेस सुपीरियर है फलाँ की रेस इंफीरियर है हमारा जो ट्राइबल सिस्टम और उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हम सुपीरियर ट्राइब से हैं बा लोग जो है वो इंफीरियर ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं हमारी जो फेमिलियल सुपीरियरिटी से मेरी मुराद यहाँ पे ये थी कि हमारी जो एक क्लैन के थ्रू और फैमिलीज के थ्रू अगर हम लेते हैं कि हमारी फैमिली सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्टेड है और फ्ला फैमिली कम रिस्पेक्टेड है नो no, हमारा रिलीजन इस पर बड़ी क्लैरिटी के बाद बात करता है वो ये कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपकी आइडेंटिफिकेशन हैं इन फैक्ट ये इसलिए हैं कि ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके अल्लाह के यहाँ वो शख्स ज़्यादा मोतबर अल्लाह के यहाँ वो शख्स ज़्यादा करीब है जिसका तकवा हम में से बेहतर है तो इस किस्म की ये तमाम सुपरस्टिशियस थिंग्स जो हमारी सोसाइटी के अंदर पाई जा रही हैं इनको हमने बिल्कुल अलहदा करके रखना है ताकि हम एक अच्छे जर्नलिस्ट के तौर पर और एक अच्छे, अच्छे मीडिया प्रैक्टिशनर्स के तौर पर सामने आ सकें तो इनफैक्ट ये अगेन इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कोड ऑफ एथिक्स में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है दूसरी एक बात अगेन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम वेस्टर्न थाट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली रिलीजन को और पॉलिटिक्स को बड़ी दो डिस्टिंग्विश और बड़ी सेपरेटेड चीजों के तौर पर लिया जाता है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दो अलग ट्रैक पे चल रही हैं दे कैन नॉट मिक्स ईच अदर रादर ये दोनों अलग सी हैं लेकिन Islamic perspective that religion is not away from politics. Religion is basically the complete code of ethics, the complete code of life. Your politics may be here, family may be here, your daily routines may be here, profession may be here. this is everywhere. You cannot have only things described for you in your profession or at family. Rather, the religion has to play a role everywhere religion. है सोसाइटी के हर एलिमेंट सोसाइटी का हर काम रिलीजन का हिस्सा है तो हम जब कोड ऑफ एथिक्स अगर इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स को देखने की कोशिश करें तो उसमें नजर आएगा कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दीज टू आर नॉट टू डिफरेंट थिंग रादर जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी वहाँ से वजह हो रहे हैं पॉलिटिक्स के जो गाइडलाइंस हैं वो भी हमें रिलीजन से मिल रही हैं तो हम इन दोनों को कतन किसी भी सूरत में अलहध नहीं कर सकते तो जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स फॉर द जर्नलिस्ट इस्लामिक परस्पेक्टिव में होगा उसमें रिलीजन और पॉलिटिक्स दिस विल नॉट बी टू डिफरेंट थिंग्स रादर दैट विल बी एट द सेम ग्रेड आगे चलते हुए हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये भी बेसिकली एक बहुत डिफरेंट डिफरेंटली डिफाइंड है इस्लामिक कोड ऑफ एथिंग्स में यहाँ पर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जो वेस्टर्न मीडिया प्रैक्टिस हैं जो कि प्लूरलिस्टिक इंडिविजुअलिज्म पर बेस करते हैं यहाँ उसकी बजाय यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो इस किस्म का है जिसमें अमर बिलमूफ व नहीं अनिल मुनकर यानी आप अच्छी चीज़ों को कमांड करेंगे और बुरी चीज़ों से लोगों को रोकेंगे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सोशल रेस्पांसिबिलिटी योर रेस्पांसिबिलिटी एज जर टूअर्ड सोसाइटी है वो भी वेस्टर्न थाट्स से मुख्तलिफ है तो इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स पे जब हम बेस करते हुए सोशल रेस्पांसिबिलिटी को देखने की कोशिश करेंगे तो वो कमांडिंग द राइट एंड प्रोहिबिटिंग द रोंग पे बेस करती हुई होगी वो वेस्टर्न प्लूरलिस्टिक इंडिविजुअलिज्म पे उसके रूट्स वहाँ से नहीं निकल रहे होंगे बल्कि इस्लामिक थाट पे होंगे ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि हर इंडिविजुअल की हर ग्रुप की और हर इंस्टीट्यूशन की जो एक रिस्पांसिबिलिटी है चाहे वो कम्युनिकेशन से हो, चाहे वो प्रेस से हो, चाहे वो रेडियो से हो, टेलीविजन से हो, सन माह से हो, हर इंडिविजुअल अपने आप को प्रिपेयर करे कि वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करेगा और उन पे अमल पैरा होगा और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ हमें नज़र आती है जो एप्सोलूटली अगेंस्ट द इस्लामिक वैल्यूज़ या एप्सोलुटली अगेंस्ट द इस्लामिक प्रिंसिपल्स हो सकता है वो क्या कि जो मीडिया आज का हमारा रोल प्ले कर रहा है वो अमर बिलमुनक व नहीं अनल मारूफ इसका मतलब क्या हुआ कि आप काम भी बुराई का आप कहेंगे और बुराई के मतलक ही सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ये बेसिकली हमारा मीडिया अब थोड़ा सा इस फॉर्म में आया हुआ है तो मीडिया इंटरेस्टेड होता है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मीडिया इंटरेस्टेड होता है कंटेंशन के अंदर डिसऑर्डर के अंदर स्कैंडल्स के अंदर पीस को डिस्टर्ब करने में भी रोल प्ले कर रहा है स्टेबिलिटी को भी डिस्टर्ब करने में भी वेस्टर्न मीडिया और इस सारे मीडिया रोल प्ले करते हैं और जो मॉरल कन्फॉर्मिटी है यकीन इसको भी मीडिया डिस्टर्ब कर रहे हैं तो जब तक हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एथिक्स डेवलप नहीं करेंगे अपनी चीज़ों को लेके नहीं आएंगे, अपने एक्शंस को डेवलप नहीं करेंगे मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि हमारा मीडिया कभी भी सोसाइटी के अंदर वो परफेक्ट रोल प्ले नहीं कर सकता जिसको हमारा रिलीजन इन्वेस्टेज करता है जो हमारा रिलीजन डिसर्व करता है डिसर्न करता है फ्रॉम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया द मीडिया हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन सोसाइटी तो इनको बेस करना होगा आ, इस्लामिक वैल्यूज़ पे इस्लामिक सिस्टम पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बयान किए हैं अगर मैं इसको फाइनल वर्ड्स में कंक्लूजन में अगर आपको देने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस किस्म के बनेंगे द बिलीवर्स हो फेथ इन मोस्ट परफेक्ट और दोज हु हैव द बेस्ट करेक्टर हम में से वो ईमान वाले बेहतरीन ईमान वाले हैं जिनका करेक्टर बेहतरीन है जिनका किरदार बेहतरीन है मैं इस हदीस के साथ आज के लेक्चर का अख्ताम करता हूं। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफ